दोस्तों इस कथा को आप एक बार पूरी सुने। भागवती तुलसी। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसके एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नागरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया था तथा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्रता स्त्री थी। उसी के पवित्रवत धर्म से शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पवित्रवत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली वर्मन कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि यह वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास ना हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पवित्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गए। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा।
भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यह यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी राहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी की मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी पा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ अपने तक ना रखें, दोस्तों फैमिली रिश्तेदार में भी शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आप लोगों के एक कमेंट और लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लोग को सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर